सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो के 60 प्रो स्मार्टफोन की। तो इस तरह का हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये है रेडमी का नया के 60 प्रो स्मार्टफोन। तो देख लेते हैं, करने के बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके अंदर स्मार्टफोन के नीचे एक 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चार्जिंग है। इसके नीचे हमें एक टाइप सी केबल देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में निकल कर आता है। जल्दी से इसे रेफर से बाहर तो देख ही सकते हैं कि इसका डार्क एडिशन कलर अपने पास है। तो देखते हैं कि ये कैसा है और किस तरह से काम करता है। तो इसको रैपर से इनको रैप करने के बाद में है मेरे पास है डार्क एडिशन वेरिएंट। तो इस तरह का हमें इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 6.67 इंच का भी फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। ये स्मार्टफोन आपको ड्यूअल 5G सपोर्ट और स्मार्टफोन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 54 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और इसके बैक जो है वो ग्लास देखने को मिलती है, जो कि मेटल, और साइड है जो कि मेटल ग्लास देखने को मिलती है, मेटल की बॉडी देखने को मिलती है। ऊपर में स्पीकर देखने को मिलता है, नीचे भी स्पीकर देखने को मिलती है, अच्छी बात है। इससे चार्ज में पोर्ट देखने को मिलता है, इसमें कुछ भी स्पीकर देखने को मिलते हैं, जन कर लेते हैं इसे अच्छी बात है। और वही हमारे पास सभी गाइस चाइनीज वेरिएंट है, तो इसमें कुछ अलग दिखा रहा आपको, लेकिन ये जब इंडिया में आएगा तो इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरह से चाइनीज में कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ये चाइनीज वेरिएंट है। तो देख ही सकते हैं, जल्दी से हम कर लेते हैं इसे ऑन कर रहा हूँ। इसके अंदर चिपसेट करूँ तो 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर देखने को मिलता है 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, प्लस 50 वोल्ट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, प्लस काफ़ी अच्छी स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर हमें ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया अच्छी बात है। तो इस तरह का हमें रेडमी का लोगो देखने को मिलता है, नीचे की साइड में ऊपर कैमरा बम देखने को मिलते हैं, और एक LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह की हमें लाइट देखने को मिलती है।